दिल में मोहब्बत भर देंगे, सीने की दवा दे जाएंगे, हम आने वाली नस्लों को मंजिल का पता। पीछे आजमपुरा क्योंकि लंबा है, अतिथि एवं सम्मानित सदस्य खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। मिलने के बाद फोटोग्राफी कार्यक्रम होगा, उसके बाद राष्ट्रगान, उसके बाद फिर खेल की शुरुआत होगी। तो ये सिलसिला शुरू है दोनों टीम के खिलाड़ियों से मिलने का। रानी सागर आज टर्न भरने का इनको ये समय है, जो भी जीतेंगे वो फाइनल में खेलेंगे। तो अभी हमारे मुख्य अतिथि और मंच पर जितने हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं उनके साथ परिचय का काम चल रहा है। ये लोग खिलाड़ियों से परिचय ले रहे हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि खेल को खेल के भावना के तहत खेला जाए। इसमें जीत किसी टीम की नहीं होगी, जीत होगी तो फुटबॉल की होगी। तो ये सिलसिला शुरू है। ये बनाही पंचायत के मुखिया जी हैं, 14 तारीख को जी हम उनसे रिक्वेस्ट। के पति पर आए हैं, देखिएगा ये सेमीफाइनल है, फाइनल पर दिन आना है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अब सम्मान करने का कार्य शुरू करता हूं। मैं आज हमारे सर ये बनता है खिलाड़ियों से परिचय लिए और
और खेल से आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? यह जो आयोजन है कारीसाथ का आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है। जब राधा शरण सिंह जिंदा थे और रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जब फुटबॉल का मैच हुआ करता था तो इस तरह की भीड़ देखने को मिलती थी। पिछले 20 सालों से मैं बहुत सारे आयोजनों में गया हूँ, लेकिन फुटबॉल के प्रति यहाँ के लोगों की रुचि, यहाँ के बच्चों में जो उत्साह है उसको देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं मेजर राणा प्रताप का आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने मुझे इस तरह के भव्य आयोजन में बुलाया और सम्मान प्रदान किया। खिलाड़ियों से मैं यही कहूँगा कि खेल भावना के साथ खेलें। खेल में हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं है, खेल भावना महत्वपूर्ण होती है। और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ सारे खिलाड़ी पूरे मनोयोग से खेल रहे हैं और खेल भावना का पूरा परिचय दे रहे हैं।